Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I hope you're all doing well. Friends, if you want to prepare for state civil services, agar aap PCS, HCS ya HAS officer banna chahte hain, then Abhimanyu IAS is bringing to you a fresh batch which is starting from 10th of April. Ye batch 10th April se start ho raha hai. Iska ek special feature hai 7-day free trial ka. Is 7-day free trial mein aap 7 days live lecture attend kar sakte hain. Absolutely free of cost. Also, आपको हमारी expert faculty के more than 250 lectures की access मिल जाएगी. So, to start your 7-day free trial, you have to go on the link given in the description box. Description box में एक link है. उस पे जाइए और अपने आप को register कीजिए for your 7-day free trial. Now, coming back to our series on international organizations, जिसमें आज हम World Trade Organization के अगले दो issues की बात करेंगे. Last time, we spoke about agreement on agriculture and sugar subsidy issue at WTO. आज हम बात करेंगे एपिलेट बॉडी क्राइसिस की और ट्रिप्स वेवर की, राइट? तो एपिलेट बॉडी क्राइसिस के लिए हम सबसे पहले डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस एट WTO की बात करते हैं, राइट? तो डिस्प्यूट सेटलमेंट किस तरह से होता है WTO में? अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो जो नेशंस हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को टू फॉर्म अ पैनल, पैनल फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करते हैं. तो फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एक पैनल बना देती है. ऑल्सो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ही एपिलेट बॉडी भी बना देती है. तो पैनल फिर उसके बाद डिसीजन देता है अपना. जो भी डिसीजन होता है पैनल का, अगर वो किसी मेंबर को, किसी पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो अपील कर सकती है एपिलेट बॉडी के पास. तो पैनल की जो रूलिंग्स हैं उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं एपिलेट बॉडी को, और जो एपिलेट बॉडी का डिसीजन है वो फाइनल होता है, राइट? तो अब ये एपिलेट बॉडी, इसके मेंबर्स कितने हैं? 7 मेंबर्स हैं इसके. और जो कोरम है, मतलब इन ऑर्डर टू हियर अ केस कितने मेंबर्स होने चाहिए, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कोरम है 3. और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, इट वॉज फॉर्म्ड और सेट अप इन द ईयर 1995. और जो इसके ये 7 मेंबर्स हैं, इनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, राइट? अब क्राइसिस क्या चल रहा है? क्राइसिस ये है कि अभी जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो सब रिटायर हो चुके हैं और रीअपॉइंटमेंट नहीं हुई है किसी भी मेंबर की, और न्यू मेंबर्स को भी अपॉइंट नहीं किया गया है. क्यों हुआ है? क्योंकि यूएस जो है, यूएस वो फ्रॉम अबाउट अ डेकेड यूएस कह रहा था कि जो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है WTO की, दैट इज बायस्ड अगेंस्ट इट, कि वो यूएस के प्रति बायस्ड है, अनफेयर है. क्यों? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के ना कुछ एंटी डंपिंग मेजर्स थे, ठीक है? ये जो एंटी डंपिंग मेजर्स थे ना यूएस गवर्नमेंट के, WTO ने कहा था कि ये जो मेजर्स हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं WTO की प्रिंसिपल से, और वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने के लिए बने हैं. तो इन मेजर्स को WTO ने अप्रूव नहीं किया और कहा कि वो इनकंसिस्टेंट हैं. दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई यूएस कंसिडर्ड WTO एज बींग बायस्ड अगेंस्ट इट, राइट? तो यूएस ने 2011 से ही न्यू मेंबर्स देना बंद कर दिया, न्यू मेंबर्स की अपॉइंटमेंट को वीटो करना स्टार्ट कर दिया, राइट? और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उनकी रीअपॉइंटमेंट को भी वीटो करना स्टार्ट कर दिया. तो बाय द ईयर 2019 तक आते आते 3 मेंबर्स बचे थे बस. अब नवंबर 2020 के बाद जो लास्ट मेंबर था वो भी रिटायर हो गया. तो अब कोई भी मेंबर नहीं है एपिलेट बॉडी में, जिससे क्या हुआ है कि जो पूरी डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है WTO की, दैट इज नाउ इन क्वेश्चन. अनसर्टेनिटी आ गई है बहुत, कि पहले तो हमने बात की थी कि एपिलेट बॉडी जो थी इसके डिसीजंस फाइनल होते थे. अब क्या होगा? अब अगर पैनल की डिसीजंस किसी नेशन को एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, बिकॉज देयर इज नो एपिलेट बॉडी. सो एक काफ़ी अनसर्टेनिटी आ गई है वर्ल्ड वाइड अबाउट दीज डिस्प्यूट्स, राइट? और बहुत सारे नेशंस ने कहा है कि ये जो मूव है यूएस की ये सही नहीं है, और उन्होंने अपोज किया है यूएस की मूव को, राइट? सो दिस इज द क्राइसिस ऑफ एपिलेट बॉडी. नाउ मूविंग ऑन टू आर सेकेंड इशू, विच इज ट्रिप्स वेवर. ट्रिप्स वेवर इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डिमांड किया था WTO से कि ये जो ट्रिप्स के कुछ प्रोविजंस हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोविजंस हैं ट्रिप्स के अंडर, उनसे हमें वेव कर दिया जाए, वो हमारे लिए थोड़ा सा एक वेवर हमें मिल जाए, ताकि हम जो कोविड-19 की जो है कंटेनमेंट प्रॉपरली कर सकें, राइट?
एसेंशियल मेडिकल ट्रीटमेंट और ड्रग्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ट्रिप्स वेवर डिमांड किया था कोविड को प्रोटेक्ट, कोविड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ट्रिप्स जो है ये अग्रीमेंट है WTO का, ये 1995 में हुआ था, और ये रेमेडीज, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन्फोर्समेंट प्रोसीजर्स की बात करता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इसमें भी है, जैसे हमने WTO की प्रिंसिपल्स में किया था बेसिक लेक्चर में, राइट। तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव राइट है ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि उसको अपनी इनोवेशन के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए मिलता है, राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी डिफाइंड एज एक्सक्लूसिव राइट्स गिवन टू पीपल प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। लॉ बाय लॉ ये प्रोटेक्टेड होते हैं। क्यों मिलते हैं इन लोगों को? क्योंकि क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, अपनी इनोवेशन या क्रिएशन ऑफ योर माइंड के लिए मिलते हैं, राइट। तो जो प्रिंसिपल है ट्रिप्स की वो ये है कि एक बैलेंस मेंटेन किया जाए बिटवीन प्रोटेक्टिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, दैट इज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं, इनोवेटर्स के जो राइट्स हैं, इनोवेटर की स्पिरिट जो है वो भी कम ना हो, ताकि वो इनोवेशन, ऐसा ना हो कि वो इनोवेशन ही ना करें, और ऐसा भी ना हो कि उनको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दी है हमने कुछ चीज़ों को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इतने हाई कर दिए हैं कि जनरल पब्लिक को प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है या सर्विसेज ही नहीं मिल रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। दिस इज वॉट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ ट्रिप्स, राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेरियस टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर हम चार की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट मिलता है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स पे। पेटेंट, पेटेंट मतलब एक इनोवेशन की उस प्रोडक्ट को पेटेंट मिल सकता है या उस प्रोसेस को भी पेटेंट मिल सकता है। प्रोसेस को पेटेंट इसलिए मिलता है ताकि रिवर्स इंजीनियरिंग या कोई ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई करके दोबारा सेम प्रोडक्ट ना बनाए। ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क क्या होता है? ये एक ऐसा साइन होता है, ये एक ऐसी चीज होती है जो कि एक कंपनी के गुड्स और सर्विसेज को दूसरी कंपनी के गुड्स और सर्विसेज से डिस्टिंग्विश करती है। जैसे कि ये स्लोगन हो सकता है, ये प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, प्रोडक्ट नेम हो सकता है, ये कंपनी का साइन हो सकता है, या फिर कंपनी का ऑफ कोर्स नाम हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल नाइकी का साइन है तो नोबडी एल्स कैन यूज दिस। प्रोडक्ट नेम जैसे आईफोन, ये प्रोडक्ट का नाम है बट इट इज द ट्रेडमार्क ऑफ एप्पल। ऐप नेम मतलब वही कि एप्पल नाम की कोई और कंपनी, ऐसे नोकिया ये नहीं कर सकता कि ओके नाउ यू आर चेंजिंग अ नेम टू एप्पल, राइट। या फिर स्लोगन क्या है कि कुछ ऐसे छोटी छोटी लाइंस होती हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं जो कि एक प्रोडक्ट, एक गुड या सर्विस से एसोसिएटेड हो, जैसे कि मैकडोनल्ड्स का आई एम लविंग इट, तो वो उसका एक स्लोगन है, वो भी उसका ट्रेडमार्क है, राइट। आगे क्या है? ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेड सीक्रेट्स आर दोज इन्फॉर्मेशन, दिस इज द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, तो वो एक ट्रेड सीक्रेट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सोर्स कोड, वो एक ट्रेड सीक्रेट होता है कि मतलब अगर वो बात लीक हुई तो ट्रेड डिस्टॉर्ट हो सकता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एक कंपनी की या एक इंसान की वो वायलेट हो सकती है क्योंकि उसकी मेहनत है उसमें, राइट। तो वो उसका एक ट्रेड सीक्रेट है। तो अब कहा जाता है कि इंडिया ने कहा है कि अब जो 2022 में जून में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ट्रिप्स वेवर मिल जाना चाहिए डेवलपिंग नेशंस को, राइट। पर देयर इज अनदर व्यू पॉइंट जो कहता है कि इंडिया को कुछ चीज़ें अल्टरनेटिवली एक डिफरेंट तरीके से करनी चाहिए थी, इंडिया की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए थी ताकि वो जो अपनी ट्रिप्स वेवर की जो डिमांड है उसको और स्ट्रांगली इंटरनेशनल कम्युनिटी में रख पाता। उसके लिए उन्होंने कहा है कि सेकेंड वेव जब हुई इंडिया में कोविड की, तब भी इंडिया ने जो एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटीज थी ना लॉज के अंडर, उनको यूज़ नहीं किया, कि एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी जो इंडियन पेटेंट एक्ट में थी उसको यूज़ नहीं किया हमने। अगर हमें ट्रिप्स की वजह से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से, लॉज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो वी कुड हैव यूज्ड दीज एंड मेड श्योर कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज का हमने यूज़ करके अपने लोगों को प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, हमने ये नहीं किया। ऑल्सो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था कि जो प्रोडक्शन है मेडिसिन की उसको बूस्ट करने के, वो क्यों बूस्ट नहीं हो पा रही है? क्योंकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। तो वी डिड नॉट साइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हर्डल्स। हमने ये नहीं कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो लॉज हैं, जो पेटेंट्स के अंडर लॉज हैं, वो हमें रोक रहे हैं। हमने कहा कि रॉ मटेरियल नहीं है इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं और प्रोडक्ट्स और मेडिसिन। देयरफॉर इसने अगेन
कॉन्ट्रडिक्ट किया हमारी स्टेटमेंट्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ठीक है। आगे अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर सपोज ट्रिप्स वेवर हमें मिल भी जाता है, राइट, ट्रिप्स वेवर अगर WTO पास कर देती है, तो क्या है, तब भी नेशंस को डोमेस्टिक लॉज को चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडियन पेटेंट एक्ट को चेंज करना पड़ेगा उन प्रोविजंस को इनकल्केट करने के लिए। तो इंडिया क्या कर सकता था, इंडिया कुड हैव डेवलप्ड अ मॉडल ड्राफ्ट लॉ, एक ड्राफ्ट लॉ बना के रख सकता था, ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सके टू गेट द ट्रिप्स वेवर, राइट। और क्या किया, जो फार्मास्यूटिकल्स है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को एक लेवल पे लेके आना चाहिए था ऑन वन साइड। अभी क्या है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स है ना, दे आर डिवाइडेड, सम ऑफ देम डिमांड वेवर, सम ऑफ देम डू नॉट वांट वेवर, तो वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देती हैं, राइट। आगे क्या है, आगे वी टॉक अबाउट कोवैक्सीन। कोवैक्सीन हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन थी, राइट, सो दिस वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी व्हेन इट मेड द वैक्सीन। तो इंडिया क्या कर सकता था, इंडिया कुड हैव प्रोवाइडेड दिस वैक्सीन एट अ मिनिमल कॉस्ट, कम कॉस्ट पे, एक मिनिमल कॉस्ट पे ये ग्लोबली ये वैक्सीन को प्रोवाइड कर सकता था। उससे क्या होता कि इंडिया का ये जो स्टैंड है इन डिमांडिंग द ट्रिप्स वेवर वो और स्ट्रांग होता, राइट। सो दिस इज इट अबाउट द ट्रिप्स वेवर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ कम, लेट्स कम टू सर्टन MCQs। फर्स्ट MCQ इज, विद रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो पॉलिसी है इंडिया की, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। क्या वो इंडिया का स्टैंड या कमिटमेंट, इट रिट्रिएट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स अग्रीमेंट, क्या ये इंडिया का स्टैंड को और पुट फॉरवर्ड करता है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के और ट्रिप्स अग्रीमेंट को? येस इट डज। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा ने भी यही बात की थी कि डेवलपिंग नेशंस को एट पार विद डेवलप्ड नेशंस लेके आया जा सके, एक बैलेंस ट्रेड हो, डेवलपिंग नेशंस की और डेवलपमेंट हो, राइट। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। तो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रेगुलेट करने के लिए जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ एपिलेट बॉडी ऑफ WTO? WTO की एपिलेट जो बॉडी है उसके मेंबर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये हमने आज ही किया है, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या वो डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO है? नहीं। इज इट द P5 ऑफ UNGA? नो। हमने पहले भी किया था कि जो WTO है वो एक स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है UN की, तो P5 ऑफ UNGA तो हो ही नहीं सकता। इज इट US? नहीं, US नहीं है, बिकॉज हमने किया कि US की वजह से अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं या फिर फंड्स का क्रंच चल रहा है, बट US अपॉइंट नहीं करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अपॉइंट करती है। हमने बेसिक लेक्चर में देखा था कि नेशंस के कोटाज होते हैं और US जो है वो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, इसलिए जो इसकी से है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। इफ यू नॉट वॉच दैट लेक्चर डू गो एंड सी इट। नाउ अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट दैट सेट्स रूल्स फॉर ऑल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज। तो जो ट्रिप्स है वो रूल सेट करती है WTO के नेशंस के लिए, किस तरह के रूल्स है वो, मैक्सिमम स्टैंडर्ड सेट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, या मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट करती है, या फिर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों स्टैंडर्ड सेट करती है, या फिर लिमिटेशंस लगाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। तो करेक्ट आंसर इज इट सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो ट्रिप्स जो है मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट करती है फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, राइट। नाउ कमिंग बैक टू आवर बैच ऑन स्टेट सिविल सर्विसेज, ये बैच अगेन आई एम टेलिंग यू स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of April विद द स्पेशल फीचर ऑफ 7-day फ्री ट्रायल। 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट कैसे करना है? फॉर दैट यू हैव टू गो ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 7-day फ्री ट्रायल में आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे 7 days के लिए, और आपको मोर देन 250 लेक्चर्स की एक्सेस मिलेगी बाय आर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। सो 10th of April इज द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू बैच फॉर PCS, HCS and HAS exam. Also now, if you found this video useful, do like and share it and subscribe to our channel Abhimanyu IAS. Thank you.